नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एडुजेट। जनपद बलिया से इस वक्त की खबर। परिसरीय स्कूलों में जांच ऑडिट में खेला हो भी। शिक्षा विभाग का हाल बेहद दयनीय है। शासन से ऑडिट के लिए भेजी जाने वाली टीम में ही जब भ्रष्ट अधिकारी हो तो बच्चों की शिक्षा के नाम पर अपनी कमाई करने वाले प्रधानाध्यापकों के हौसले बुलंद होंगे। जांच के लिए पहुंची विपुल सिंह और उनकी टीम दो बीआरसी पर जमकर वसूली का खेला हो गई। क्या पूर्वांचल की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आएगी? जवाब तो यहाँ के माननीय मंत्री और शिक्षा विभाग में सालों से जमे अधिकारी ही दे सकते हैं। सर में इस बात पर आती है कि सरकार द्वारा कंपोजिकट मद में काफी धनराशि भेजी गई थी, मगर जिम्मेदार शिक्षकों का जमीर मर चुका है। बानकी के रूप में यह स्कूल बलिया जनपद के रसा तहसील क्षेत्र के पकवाईनार में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय खंड विकास अधिकारी ब्लॉक संसाधन केंद्र रसा डायट परिसर बीआरसी पर ऑडिट टीम जाँच करने गए। 220 स्कूलों के शिक्षक भी बुलाए गए। 2020 से 2021 में विद्यालयों में बच्चों को दी जाने वाली ड्रेस, भवन की रंगाई पुताई सहित 31 मार्च 2021 तक का ऑडिट चल रहा था। मजे की बात यह है कि जांच अधिकारी को पता नहीं चला, मगर 300 की दर से खेला हो गए। हालांकि पूरे मामले पर जांच टीम में आए हुए विपुल सिंह ने खारिज करते हुए कहा, हमारे संज्ञान में नहीं है। समाज एडिट के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। हाँ सर, तेज आवाज में अपना एक परिचय बताया सर। मेरा विपुल कुमार सिंह, राज परियोजना कार्यालय द्वारा जनपद बलिया में, मैं इंटरनल ऑडिटर। जी जी, शासन के मनसानुसार जो है ऑडिट टीम यहाँ पर आई हुई है और काफ़ी देर तक लोग यहाँ इधर उधर घूम रहे थे और ऐसे में जो है आज जो है रसड़ा बीआरसी पर आए हैं। इसके पूर्व में जो शासन के मनसानुसार 9 बजे से 10:30 बजे तक चिलकार में होना था, लेकिन चिलकार करने के बाद जो है अपने गाड़ी से जो है आज 2 बजे यहाँ पहुँचे हैं और अभी अभी ऑडिट चालू किए हैं। 10 बार ऑडिट हो गया है और यह देखा जाए तो इसमें 230 विद्यालय हैं। तो सर, ऑडिट का क्या मानक होता है जाँच करने के लिए? न्यूनतम मानक जो है इंटरनल ऑडिट का वो 5% के राउंड है। जी जी, मैक्सिमम का कोई मानक नहीं है। जितनी ऑडिट हो सकती है समयबद्ध कार्यक्रम के अनुक्रम में उतना हम कर सकते हैं। और रिमेनिंग कोई व्यवस्था है जिसे कराने का हो तो जिला मुख्यालय पर आके करा सकते हैं। सरकार द्वारा देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई या दवाई पे काफ़ी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और ऐसे में जो है ऑडिट के नाम पे जो है अभी से गुरुजी कह के जो है पैसा वसूली किया जा रहा है। 300 से 500 का रेट भी लिया जा रहा है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? नहीं, शासन द्वारा हम लोग की फीस निर्धारित होती है और ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है। अगर कोई ऑडिटर या किसी अन्य के नाम पे अनुगाही कर रहा है तो इसके शासन द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए, बीएसए को अवगत कराना चाहिए। चूंकि पूर्व भी यहाँ पे भी जो बहुत फर्जीवाड़ा चला है और यहाँ पे एक बाबू भी था उसको भी निलंबित कराया गया था और अभी भी ये खेल चल रहा है यहाँ पे। अब किसके संरक्षण चल रहा है ये तो देखना होगा, समय बताएगा, लेकिन अभी भी यहाँ खेल चल रहा है सर। और ऐसे में जो शासन के मनसांतर कंपोजिट विद्यालय के तहत जो पैसा आ रहा है रंगाई पोताई पे, तो जैसे आप जिला से आए हैं तहसील से देखे होंगे वहाँ पे कि एक आपके पास रसड़ा बारी में एक विद्यालय है जो अपनी हालत में 15 साल से वहाँ पे एक अध्यापिका है लेकिन अपनी हालत में आंसू बहा रहा है वो विद्यालय। 75,000 रुपये शासन के मनसानुसार देने के बाद भी वो विद्यालय में रंगाई पोताई नहीं हुआ है सर, तो आखिर ऑडिट कैसे होती है? नहीं, ऑडिट जो होती है वो वित्तीय अभिलेखों के आधार पर होती है। भौतिक सत्यापन हम लोग का काम नहीं होता है, वो विभागीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। हमारे द्वारा केवल भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता है, वित्तीय अभिलेख देख के उसी की ऑडिट की जाती है। बिल वाउचर जो भी होते हैं उनके देख के उसका सत्यापन किया जाता है। बस हमारी जिम्मेदारी यही तक होती है। तो सर, ये शाम तक चलेगा 5 बजे तक? हाँ, कार्यक्रम जो है तिथि के हिसाब से वो 1:30 से 5 बजे तक का समय दिया हुआ था। बारिश के कारण थोड़ा सा पिछले ब्लॉक पे लेट हो जाने के कारण मैं यहाँ 2 बजे करीब पहुँचा हूँ। 5:30 तक इसको मैं कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।